पांच दिन हो गए लगाया, इसे दिखा दे। तो जेज ही है ना मामू का, करो। तसीब इतना देर से क्यों आती हो, इतना देर से क्यों आती हो? ये देखें जी पराठा कैसे बना रही हूँ, देखें क्योंकि वो सारे घर का पेंट हो रहा है ना, तो इतने से जगह मेरे पास काम करने के लिए खड़े होने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ नताशा वकास। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, एक तो घर की काफ़ी टफ रूटीन हुई हुई थी, दूसरा तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इस वजह से। खैर आज थोड़े थोड़े से क्लिप ऐड किए हैं मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा घर के काम का अपडेट कर देती हूँ क्या हुआ है काम का, और पेंट वगैरह लुक वगैरह जो है वो दिखा देती हूँ आपका। इसके अलावा बस थोड़ी बहुत चीज़ें चलें आपके साथ शेयर करती हूँ, टाइम वेस्ट के बगैर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी पराठा कैसे बना रही हूँ, देखें क्योंकि वो सारे घर का पेंट हो रहा है ना, तो इतने से जगह है मेरे पास काम करने के लिए खड़े होने के लिए। तो हमने उनको बोला आप दो मिनट के लिए बाहर जाएं, मैं नाश्ता बना लूँ, फिर आ जाना। जी बेटा कहाँ घूम रहे हो आप? ये देखें पूरे घर की ये हालत है अभी फ़िलहाल, पेंट वाले डब्बे पड़े हुए हैं। इस वाले कमरे में सिर्फ एक सिंगल बेड रह गया है, ये भी अम्मी ने जब उठवाना है तो वो उठवा लेंगी बस, और इस पर पेंट रह गया इस कमरे का, शायद आज हो जाए इसका बस, क्योंकि यही रह गया है, बाकी सारा हो गया। रोटी जल गई, शिट। ओके भाई, तो मैं नाश्ता बना रही हूँ हॉट प्लेट पे, गैस बिल्कुल नहीं है। और वैसे हम लोगों की ना गैस की पाइप डल रही है, पता नहीं अब गैस कब आएगी, क्योंकि वो डाल रहे थे ना पाइप्स, फिर मैंने उनसे पूछा था कि किस चीज़ की पाइप्स डाल रहे हैं, उन्होंने बोला गैस की डाल रहे हैं। जैसे वकास को ऑलरेडी पता था, वकास कहते हैं ये गैस की पाइप है, मैंने कहा मैं कन्फर्म कर लेती हूँ भी पूछ के, फिर उनसे पूछा मैंने कहा ये किस चीज़ की पाइप है, उन्होंने कहा ये गैस की पाइप है। देखें इसमें सुई क्यों है, टाइम बताती है सुई, ये ना ये सुई नजर नहीं आ रही आपको? ये नहीं, ये सुई तो नहीं। तो क्या क्या है, रुको दोबारा दिखाती हूँ, क्या है? सुई है देखो, नहीं वायर सी है। अच्छा जी बेटा, इसमें केक बनाऊंगी, अच्छे अच्छे तो मुझे पसंद ही नहीं है, पिज्जा बनाऊंगी और पेटीज बनाऊंगी, इसमें मुझे पेटीज पसंद है, मैं पेटीज बनाना सीखूंगी और वो बनाऊंगी यहाँ पे पेटीज पिज्जा बनाऊंगी। जी 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 जी, क्या पोटैटो सुशी? अच्छा कैसे बनती है? सॉरी सॉरी, सीवी क्या होता है? सीवीड, फ्लैक्स सीड को बोल रही हो? नहीं सीवीड है। ओके कैसे होती है? आई विल ट्राई। गैस बिल्कुल खत्म है, मैं धीरे तवा भी इंडक्शन पर रख के उसे भी बना लूँ। ओह तेज हो गई गैस, ये कैसे हो सकता है? जादू, रानी रानी। अब रानी हो मेरी, रानी प्रिंसेस रानी। कलर हो रहा है तो आज छुट्टी है, जुम्मा है, नीचे बिल्कुल खाली हुआ हुआ है, अभी दिखाती हूँ आपको घर नीचे से। अभी नीचे वाले पोर्शन में ना सिर्फ और सिर्फ एक बेड पड़ा हुआ है, वो भी जब अम्मी ने उठवाना हुआ वो उठवा लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी मुझे जिस जिसने कहा हुआ था मैंने उसको दे दी, बस मैंने अपने ग्रीन सोफे रखे हैं, पिंक बेड। वकास को ना रोटी सेकने का शौक आया हुआ है। नहीं मैं चाह रहा था खड़े ना, मुझे दे देंगे हमें कर लो। अंडा निकाले हैं कोर्ट से, अंडा निकाले बनाओ। सिलेंडर वाले को कॉल कर दी है, मेरी शीट गंदी हो गई है, पर एटलीस्ट ये शीट जो है ना वो वॉशेबल है, धो के वापस लगा दो। और इनमें आग भी नहीं लगती। वो गाइस इसने ओवन में रख के क्या लगाया, जल्दी देखो, ऐसे ओवन खराब होते हैं। खाली ओवन चला दिया वो हिना के बच्चे ने ना, ओवन में केचप रख के चलाया था, उसको ओवन सड़ गया था सारा। वही बेड के ऊपर ही बैठ के हमने खाना खाया, क्योंकि उसके बाद हमें इस कमरे से भी निकलना था, क्योंकि मजदूर कह रहे थे हमने इस कमरे का पेंट करना, तो बेड जो है हम दरमियान में कर लेते हैं ताकि यहीं पे जो है वो कलर वगैरह हो जाए सारा कुछ, और मैनेज कर लें। आप लोग बच्चों ने चाय भी गिरा दिए, देखे हाँ खड़े हुए हो आप हैं। अरे वाह सारे बर्तन धुल गए, देखो सारे बर्तन धुल गए। किचन इतना मैस मैस हुआ हुआ है क्योंकि पेंट हो रहा था ना यहाँ पे, देखें अभी मैंने उनसे बोला मुझे बस नाश्ता बनाने दें, उसके बाद आप लोग अपने काम कर लें जो आप लोगों ने करने हो। और यहाँ देखें बर्तन धुल गए मेरे सारे, शुक्र डिश वॉशर है,
बर्तन धुल जाते हैं इसमें आराम से। तो ये आज बाहर वाली दीवार की जो है वो लुक हो रही थी, नीचे से चिप्स हो गई है इसकी, जो जहाँ पे पानी ना जाए नीचे ना, अगर बराबर में कभी घर बनता है तो, और उसकी सीपेज होती है तो आप वो चिप्स डालते हो ना बुनियादों में। तो वैसे तो हमारा बेसमेंट है, नीचे पूरी कंक्रीट की वॉल है, लेकिन फिर भी चिप्स करवाई है हमने और साथ लुक हो रही है आज दीवार की, आज ख़त्म हो जाएगी ये वाली लुक भी। और अभी बाहर से जो है आई थिंक रॉक वॉल हो रही है, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, तो वो हो रही है, छत तो हो गई बिल्कुल रेडी। वो मैं जाऊँगी छत पर तो फिर आपको दिखाऊँगी। अब स्कूल चलते किधर है तस्वीर बताओ, अभी अनाउंसमेंट हुई है मोटो पता देखने। हाँ। ओके लगाओ तो पार्टी, आवाज कम कर तो पार्टी बड़ी होगी सारे दोस्तों ने बुला लो। तस्वीर इतना देर से क्यों आती हो, इतना देर से क्यों आती हो, क्या इतना देर से क्यों आती हो? खेल रही थी ना आप, अभी आपको गिफ्ट मिली आज पेन से। ये इसको नहीं मिली, पेंसिल में गिफ्ट मिली आपको। ये वो जो है स्पाइडरमैन की घड़ी थी, मैं वहां पे लेके आई। अच्छा, सेवन ने मुझे क्या दिया? पेंसिल का पूछ रही हूं, आपकी मैम की कॉल आई थी, कर्मिश को मैंने पेंसिल गिफ्ट किया। ये 5 दिन हो गए ने लगाया, ऐसे लगा देती हूँ ये ना। वैसे मैंने कमरे के लिए लिए थे, फिर मैंने अब यहीं पर लगवा दिए, क्योंकि ना कमरे की सीलिंग में सुराख नहीं थे, पेंट हो गया, मैंने कहा छोड़ो मैंने सुराख करवा दी। और जिस कमरे के लिए लिया था ये भी लग गया, ये क्योंकि इस कमरे की सीलिंग में तो कुछ लग रहा नहीं था। मेरी अच्छे लग रहा है ना, तो जेज ही है ना मामू का, करो 0325 फल नंबर पर। इसको ऑन करके देखो करंट तो नहीं लगेगा। चल तो नहीं रहा है, ये तो नहीं चल रहा। ठंडी तो बहुत हुई है छत, बट अल्हम्दुलिल्लाह रॉक वॉल हो गया इसका, आई थिंक रॉक वॉल हुआ, आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, बट ये नहीं वेदर शीट है ये। हाँ वेदर शीट है ये, ख़राब नहीं होती बारिश वगैरह में, इसकी 10 साल की वारंटी होती है। सांस फूल गई इतनी सीढ़ी चढ़ी, टंकी पे भी हो गया है। और ये देखें है ना, शक्ल निकल आई है ना, ये छत की खिड़की। और वो बादल कहाँ से उठ रहा है वो, माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। अब अल्लाह करेगा ये जो है ना टांग देंगे, लाइटें शाइटें। आया हुआ आज यूसुफ काम करने, बोर्ड लगा रहा है क्योंकि कल उसकी बेगम का ऑपरेशन है, उसको भी डॉक्टर ने डेट दे दी डिलीवरी की, तो ये बोला आज कल ख़राब किए दीवार, उन्होंने सही करनी है। वैसे भी आज पीछे लुक हो रही है, थोड़ी बहुत लुक जो यहाँ लगी है ना दीवार पे सारी सही होनी है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, चमक रहा है ग्लिटर सा, ये देखें पूरी दीवार पे लुक हो गई है। जो छत वाला कमरा है ना वो इतना प्यारा रेडी हुआ है, देखें जब धूप पड़ती है इसमें इतनी प्यारी रोशनी आती है, अभी ग्रूव हो रहा है ना सूरज बहुत प्यारा। क्यों रो रहे हो, मैं वीडियो बना रही हूँ आपकी। अभी हम लोग आए हैं ऊपर वाले कमरे में क्योंकि नीचे वाले कमरे में हो रहा है पेंट, और अभी इस कमरे का डोर भी लगा, पता नहीं कब डोर वाला आके डोर लगाएगा। सो कॉल कर कर के आ जाता हूँ, कल आता हूँ परसों आता हूँ, फिल्ला बहुत जलील करते हैं यार मजदूर बहुत ज़्यादा। खैर तो फिर अभी हमने बोला है लेबर को कि भाई ऊपर ना जाना बाबा आप लोग, क्योंकि छत पे थोड़ा बहुत काम रहता है ना, है ना बलाज। इस तरफ बलाज लेटा हुआ और इस तरफ लेटा हुआ भाज, ये दरमियान में लेटी हूँ मैं। हेलो भाज, हेलो क्या कर रहे हो, लेटे हो? इतनी शदीद धूप आ रही है, पर्दा भी नहीं है इधर पे, देखें धूप देखो, धूप देखो अभी आप लोग। अब मैं अपने आप को दिखा नहीं सकती, मैं बिल्कुल भंगन लग रही हूँ। अभी सीलिंग के शीशे भी लाने वाले हैं, पर मैंने कल जाना लाहौर क्योंकि मेरा मोबाइल आ गया है, ये iPhone 14। 3 महीने से भाई ने लेकर रखा हुआ था, कोई पाकिस्तान जाए तो भेजूँगा, तो फाइनली कोई पाकिस्तान आया है तो मोबाइल आएगा मेरा। और बच्चे गए हैं मैं स्कूल तस्वीर में। बाकी अलमारी वाले कोई बोला है कि आके अलमारियाँ बना जाएं, जिससे वेल्डिंग का काम करवाया था ना, अब उसी के बंदे से जो है वो अलमारी बनवा रहे हैं, उसी के बंदे से खिड़कियाँ लगवाई हैं, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने ईमानदारी से। और अलमारी वाले भी उनके खालू ही हैं, वो पहले आके हमें रेट दे के गए थे, लेकिन ना वो ऐसे ना सॉलिड चीज़ों के बनाते हैं अलमारियाँ, हमें अलमारियाँ चाहिए थी PVC में और उसमें ZRK में, तो हम एक्सपेंसिव पड़ रही थी काफ़ी, तो हमने कहा उन्हीं से बनवा लेते हैं, कोई मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे, ज़रूर नहीं है एक साथ बनवाएंगे बजट से बाहर हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके बनवा लेंगे, बनवाएंगे उन्हीं से ही।
तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में अलमारी भी बन जाएगी। बस इसी कमरे का पेंट रह गया नीचे वाले का। उसका रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ सो रहे थे तो इस वजह से, क्योंकि ऊपर भी अभी बहुत सारा काम है। अभी तो इन दिनों में ना सही पता चल रहा है काम का, क्योंकि पेंट वाले लगे हुए हैं, लुक वाले लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन आ जाया हुआ है वो, और पेंट वाले ऐसे नहीं कि एक बंदा पेंट कर रहा था ना, 8-10 बंदे जो प्रॉपर लगे हुए हैं। दिखाती हूँ बाहर भी लगे हैं, ये बाहर से पेंट हो रहा है। तो मैं ना ऐसे कमरे में बाउंड होकर बैठ गई हूँ। बाहर जाती हूँ तो वकास गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों फिर रही हो मजदूरों में, मिस्त्रियों में, वीडियो नहीं बनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती इसलिए क्लिप वगैरह। अभी शाम का टाइम है तो उनके जाने का टाइम है, कुछ चले गए हैं, एक दूर रहते हैं वो भी ना काम कर, सुबह 8 बजे वो आ जाते हैं और शाम में 5 कभी 6 बजे वो चले जाते हैं। तो बच्चे भी अभी ट्यूशन से भी आ गए, अभी वकास ट्यूशन से बच्चों को लेकर आए। तो मैं घर में बंद हो के मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया यार। तो बस ये कुछ दिन रह गए, सारा काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि ढेर सारे बंदे लगे हुए हैं ना, इसलिए एक दो बंदे ने लगे हैं। बस ये कि मिस्त्री बहुत छुट्टी कर रहा है, बहुत छुट्टी, 2 दिन पहले नहीं आया था, कल आया था, आज फिर नहीं आया। वो आके काम उका देना सीरियसली, बेसमेंट की टाइल लगना तो अजाब बन गई है, अजाब के बस लगे किस तरीके, जान छुटे मजदूर मिस्त्री घर से निकले, बंदा अपने घर में ही नहीं फिर सकता। अब ये वाले कमरे का हमने सबसे लास्ट पेंट इसलिए करवाया था कि सिर्फ यही वाला एक वाशरूम रेडी था। आज वकास जो है वो ऊपर वाले वाशरूम के लगवा रहे हैं सीट वगैरह, और वो भी बेसन भी था कि वो वाले वाशरूम भी यूज़ किए जा सके, क्योंकि जब नीचे उन्होंने पेंट करना है अब हम मजदूरों के सामने तो वाशरूम नहीं ना यूज़ कर सकते, स्पेशली मैं कैसे करूँगी यूज़ मजदूरों के सामने वाशरूम। तो बस ये मसला है। तो लेट्स सी, अगर ऊपर वाले वाशरूम का आज का मोड़ वगैरह लग गया तो फिर उनको बोलेंगे आप लोग आज इस कमरे का पेंट कर लो। तो वो बोल रहे थे हम बेड बाहर नहीं निकालते, हम दरमियान में कर देते हैं बेड को, ताकि फिर पेंट वगैरह हो जाए आराम से। तो बस इसका भी हो जाएगा पेंट शेंट। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी इसी सब सिचुएशन की वजह से आपके सामने, कि क्या बनाऊँ, क्या रिकॉर्ड करूँ, मजदूरों में कैसे फिरूँ, तो बस इस वजह से नहीं बना पाई मैं व्लॉग। तो बस आज थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, चुने चुने से क्लिप टोटे जोड़ के व्लॉग बनाया है। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो बस ऐसा है, तो लाइक शेयर कर देना, दुआओं में याद रखना मुझे, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।